हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोटेशन के न्यू एपिसोड में, जहां आज हम बात करने वाले हैं ड्यूडेनम के बारे में। तो वैसे ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट है, जहां पे मतलब फर्स्ट पार्ट के ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट के बारे में नहीं, हम बात करेंगे ड्यूडेनम के इस वीडियो के मतलब वीडियो सीरीज के फर्स्ट पार्ट में, यानी बोली तो फर्स्ट एपिसोड में। आज हम नॉर्मली सिर्फ ड्यूडेनम के बारे में जानेंगे, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर डिवाइडेड रहते हैं, किस किस से अटैच रहते हैं, या फिर बोले तो किस जगह पर जो है ड्यूडेनम पाया जाएगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। तो ये हो गए इसके टोटल कितने रीजन्स, ये इसके टोटल 9th रीजन्स हो गए, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर कौन पाया जाता है, जिसके अंदर हमारे ड्यूडेनम पाए जाते हैं। तो थर्ड पार्ट को क्या बोलते हैं होरिजोंटल पार्ट। और जब होरिजोंटल पार्ट यहाँ पे जब खत्म होता है, यहाँ पे एक फ्लेक्सर बनाता है, ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर। तो यहाँ से उसके बाद में फिर क्या कंटिन्यू होता है कि इसके अंदर, इसके फोर्थ पार्ट में, और फोर्थ पार्ट के बाद में कहाँ पे जेजुनम में कंटिन्यू जाता है। तो फोर्थ पार्ट को क्या बोलते हैं, असेंडिंग। और यहाँ पे इसका अम्ब्राइकस पाया जाता है, तो अम्ब्राइकस की क्या होता है, जस्ट ऊपर की साइड रहता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एक बात कि यहाँ पे इसका मतलब कौन कौन से वर्टिब्रा से पाया जाता है। तो देखो, ये तो हो गया L1, क्योंकि L1 के ऊपर पाया जाता है। तो L1 के जस्ट बॉर्डर के ऊपर तो कौन सी वाली, ये वाला कौन सा प्लेन है, मैं सबसे पहले इन प्लेन्स के नाम भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये कौन सा प्लेन है, ये है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। ओके, क्या हो गया, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। और ये कौन सा वो प्लेन हो गया, ये हो गया ट्रांस ट्यूबरकल प्लेन। ओके, तो ये हो गया इसके दोनों प्लेन। और ये वाले प्लेन तो हमको पता ही, ये वाले कौन कौन से प्लेन है, तो ये वाला कौन से प्लेन है, ये हो गया लेटरल प्लेन। और ये हो गया राइट लेटरल प्लेन। ये हो गया इसके टोटल कितने प्लेन, 4 प्लेन, जिसको उसको एब्डोमिन को पूरे टोटल 9 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। तो ये कौन सा रीजन हो गया, ये हो गया फर्स्ट रीजन, ये हो गया सेकंड रीजन, ये हो गया थर्ड रीजन, दिस इज फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट और नाइन्थ। तो ये कौन कौन से रीजन्स में पाया जाता है, वैसे इसका जो रीजन है, इसको जो रीजन दिया गया है, वो उसको रीजन कौन सा दिया गया है, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम दरअसल होता तो किसके अंदर है, देखिए ना, सेकेंड, फोर और एट में आता है, जिसका नाम है कहाँ पे, एपिगेस्ट्रिक। कौन कौन सा, ये हो गया एपिगेस्ट्रिक रीजन, ये हो गया राइट लंबर रीजन, और ये हो गया कौन सा, एंडो, या फिर बोलते हाइपोगेस्ट्रिक रीजन। बट इसको मेनली जिसके अंदर बताया जाता है ना, किसको, इसका नाम क्या है, ड्यूडेनम को। तो ड्यूडेनम को मेनली किस में बोला जाता है, मेनली बोला जाता है एपिगेस्ट्रिक के अंदर। वैसे तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 5th मेन अम्ब्लिकल में भी रहता है, बट यहाँ पे इसको क्या है कि बोला नहीं जाता। तो इसका जो मेन पार्ट वैसे दिया गया कौन सा, इसके अंदर दिया गया, जिस रीजन का नाम क्या है, एपिगेस्ट्रिक रीजन के अंदर आता है कौन, हमारा ड्यूडेनम। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, देखिए इसके 4 पार्ट होते हैं टोटल, 1, 2, 3 और 4 पार्ट। अब देखिए, यहाँ पे टोटल ये तो हो गए 4 पार्ट, एक ड्यूडेनम टोटल 4 पार्ट से मिलकर बनती है। फर्स्ट पार्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट अपना जो हो गया, देखिए नेमिंग कर देते सीधा, फर्स्ट पार्ट वाला कौन सा पार्ट है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्या बोलते हैं इसको, सुपीरियर पार्ट। भाई ऊपर की साइड रह गया ना, सुपीरियर साइड में रह गया, तो इसका क्या नेमिंग हो गया, सुपीरियर पार्ट।
वहीं जो सेकंड नंबर हो गया, सेकंड नंबर का क्या हो गया, सेकंड नंबर कौन सा पार्ट हो गया, ये हो गया डिसेंडिंग पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट। थर्ड नंबर, थर्ड नंबर पे कौन सा पार्ट हो गया, जो थर्ड नंबर का पार्ट हो गया, देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है, ये फुल हॉरिजॉन्टल लाइन में, इसलिए इसी का नाम क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल पार्ट। और फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का क्या नाम दे दिया, फोर्थ नंबर देखिए नीचे की साइड आ रहा है, यहां से इसने क्या कर दिया, कट लगा दिया, कहां पे, नीचे की साइड, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, ये किसमें कंटिन्यू होता है, ये जजनम में भी तो कंटिन्यू होता है, वैसे ये तो हल्का सा ऊपर की साइड टर्न होता है, बट मैंने इसको नीचे की साइड कर दिया क्योंकि मैं थोड़ा सा भूल गया। ये कौन सा पार्ट हो गया, एसेंडिंग, अब यहाँ पे इसका एक फ्लेक्जर बनता है, वो जो फ्लेक्जर बनता है वो फ्लेक्जर कौन सा बनता है, देखिए इसके टोटल यहाँ पे कितने फ्लेक्जर बन रहे हैं, तीन फ्लेक्जर, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो यहाँ पे हम तीनों फ्लेक्जर्स के बारे में भी जानते हैं, तो फ्लेक्जर कौन सा बनेगा, देखिए एक फ्लेक्जर तो ये हो गया, ये किस किस के बीच में बन रहा है, सुपीरियर और डिसेंडिंग पार्ट के, बट यहाँ पे ये किस की पूरी ड्यूडेनम है, इसलिए हम इसको इनके नाम से नहीं बांटेंगे, यहाँ पे दो फ्लेक्जर हो गए, इसलिए उसको तो सुपीरियर और इसको इन्फीरियर, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्जर, सुपीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्जर। वहीं इसका क्या नाम हो गया, इन्फीरियर, भैया नीचे की साइड रह गया ना, इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्जर, ये हो गया इन्फीरियर ड्यूडेनल फ्लेक्जर। ये यहाँ पे कहाँ पाया जाता है, ये जो फ्लेक्जर पाया जाता है, ये फ्लेक्जर पाया जाता है ड्यूडेनम और जेजनम के बीच में, तो इसका नाम क्या हो गया, ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्जर। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लेक्जर है वो फ्लेक्जर क्यों बोला गया, जैसे जो मेनली जो फ्लेक्जर पार्ट होता है ना, ये जो फ्लेक्जर पार्ट होता है, ये फ्लेक्जर का पार्ट का मतलब होता है घुमाओ या फिर अदरवाइज टर्न, ओके इनसे आपको समझ में आएगा, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे क्या, फ्लेक्जर किया हुआ है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे क्या हो गए, हमारे इस ड्यूडेनम की पूरी नेमिंग हो गई, कंप्लीट नेमिंग हो गई, और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये L1 हो गया, L1 के ऊपर इसका कौन सा पार्ट है, L1 के ऊपर देखिए ना, इसका कौन सा पार्ट है, L1 के ऊपर इसका पार्ट है फर्स्ट वाला पार्ट, मैं इसको डिफरेंट कलर से इसको करता हूँ, तो इसको कलर तो बचा ही नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये L1 हो गया, ये जो इसका जो थर्ड पार्ट हो गया, देखिए मैं बिल्कुल इसको हल्का हल्का इस तरीके से लेके जा रहा हूँ, इसका जो ये पार्ट हो गया ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा L3, और जो सेकेंड पार्ट हो गया वो कहाँ पे रहेगा, वो L2 के ऊपर। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली है कि यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो ड्यूडेनम में कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता है क्या बोलना है, आपको बोलना है कि जस्ट अबव द अम्ब्लाइकस, जस्ट अबव द लेवल ऑफ अम्ब्लाइकस एंड जस्ट अपोजिट टू द L1, L2 and L3 वर्टिब्रा। जी हाँ, ये इसके कम्प्लीटली डेफिनेशन रहेगी, अगर कोई आपसे पूछ लिया जाए कि कहाँ पे पाया जाता है ड्यूडेनम, तो L1, L2, L3 वर्टिब्रा पर, और L1, L2, L3 के अपोजिट जो वर्टिब्रा उसके अपोजिट में, और अम्ब्लाइकस के जो लेवल है उसके जस्ट अबव पर। तो ये हो गया इसका पूरा डायग्राम कम्प्लीटली, जिसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन सा जो ड्यूडेनम है कहाँ पे किस तरीके से पाया जाता है। अब यहाँ हम बात करें थोड़ी सी ड्यूडेनम के बारे में, तो ड्यूडेनम दरअसल ये जो किस किस यहाँ किस वर्ड से मिला हुआ है, लेटिन का एक वर्ड आता है ड्यूडेका डेक्टोलस, ड्यूडेका डेक्टोलस के थ्रू बना हुआ है, जिसका नाम क्या है, 12 फिंगर लॉन्ग। अगर आपको नहीं समझ में आए तो देखिए, ये जो एक फिंगर होती है ना, तो 12 फिंगर लॉन्ग, ये जो अपनी जो एक फिंगर हो गई उस तरीके से, 1, 2, 2, 3 बस इतनी सी, 1, 2 and 3, ये हो गई टोटल कितनी, 12 फिंगर्स। तो 12 फिंगर लॉन्ग कितनी होती है, इतनी ही होती है जितनी कि इसमें आपको बताई गई है बस। तो इसीलिए इसका नाम जो मतलब उस वर्ड का मतलब है, ड्यूडेका डेक्टोलस का जो वर्ड का मतलब है क्या है, 12 फिंगर लॉन्ग। अब यहाँ पर जो
कहाँ पे, ये जो इसका जो पालोरस पार्ट है, अब देखो ड्यूडेनल कहाँ से कहाँ तक होती है, ड्यूडेनल कहाँ से होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम पालोरस टू ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम ड्यूडेनल टू ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर तक, तो यहाँ तक। अगर आपसे कोई पूछे तो इसको इसके फोर्थ पार्ट को भी इसको क्या मतलब काउंट नहीं करेंगे, वैसे तो इसमें होता इसी के अंदर है, बट यहाँ पर एक एक जो कर्व बना लेती है उसके बाद में ये क्या होती है, देखिए ये फोर्थ पार्ट है, कहाँ से कहाँ तक होती है ये, पालोरस से ड्यूडेनल जेजुनल फ्लेक्सर तक। और इसकी सबसे एक और खास बात, ये जो टोटल ड्यूडेनम है वो कवर्ड रहती है किसके थ्रू, पेरिटोनियम, और कहाँ पे, एंटीरियर साइड के अंदर। तो ड्यूडेनल इज कवर्ड बाय पेरिटोनियम इन ओनली एंटीरियर एस्पेक्ट, ओके, कहाँ पे, ओनली एंटीरियर एस्पेक्ट के साइड के अंदर पेरिटोनियम से कवर रहती है। पेरिटोनियम भी टू टाइप्स की रहती है, रेट्रोपेरिटोनियल और दूसरी पेरिटोनियल कौन सी पाई जाती है, वो रहती है इंट्रा पेरिटोनियल। तो इंट्रा जो पेरिटोनियल होती है वो क्या होती है, वो मूवेबल पार्ट होता है, और जो रेट्रोपेरिटोनियल होती है वो क्या, फिक्स पार्ट होता है। तो हम इसके फिक्स पार्ट, हम इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसके जो पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे नेमिंग तो मैंने सब कुछ आपके सामने यहाँ पे कर ही दी है, यहाँ पे मैं बात करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। फर्स्ट पार्ट जो हो गया, फर्स्ट पार्ट ये कितने इंच का होता है, देखिए ये जो टोटल ड्यूडेनम की बात करें ना, तो टोटल ड्यूडेनम की पता है साइज लेंथ कितनी होती है, ये टोटल ड्यूडेनम की जो लेंथ होती है वो होती है टोटल 10 इंच यानी कि 25 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1 इंच किसके इक्वल टू है, 2.5 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पर आप इसके थ्रू आप इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं कि अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो कितना बताना, और इंच में पूछा जाए तो आपको कितना बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट कितना, फर्स्ट पार्ट 2 इंच की इसकी लेंथ होती है, जिसके अंदर से जिसका जो 1 इंच है वो प्रोक्सिमल पार्ट होता है, 1 इंच होता है वो होता है कौन सा, डिस्टल, देखिए प्रोक्सिमल और डिस्टल। अब जो प्रोक्सिमल पार्ट है, जो प्रोक्सिमल पार्ट हो गया ये क्या रहेगा, ये एक पेरिटोनियल से कवर्ड रहता है, कौन सी पेरिटोनियल, उस पेरिटोनियल का नाम क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल। कौन सी पेरिटोनियल हो गई, इंट्रा पेरिटोनियल, ये इंट्रा पेरिटोनियल क्या होता है, उससे पार्ट से कवर्ड रहता है। अब ये जो इंट्रा पेरिटोनियल पार्ट रह गया, ये दरअसल ये कौन सा वाला पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, मूवेबल पार्ट हो गया। वहीं जो डिस्टल पार्ट होता है इसका, अब ये जो डिस्टल हो गया ये इसका, अब देखिए ये तो टोटल 1 इंच हो गया, और ये भी टोटल कितना, 1 इंच। तो ये वाला जो पार्ट है ये कौन सी पेरिटोनियल से कवर्ड रहता है, ये टोटल पेरिटोनियल, कौन सी वाली, रेट्रो पेरिटोनियल। तो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये टोटल, ये फिक्स पार्ट है, मतलब ये फिक्स ही रहता है, ये यहाँ पे मूवेबल पार्ट नहीं है, क्या मूव नहीं करता है। तो यहाँ पे भी ये कौन सा क्या, इसका सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं। तो सेकंड पार्ट की लेंथ कितनी है, सेकंड पार्ट की लेंथ है, या अगर ये 2 इंच आ गए ना, तो सेकंड वाले पार्ट की कौन सी लेंथ रहेगी, वो रहेगी 3 इंच। और जो इसका जो 3 इंच वाला पार्ट रहेगा वो भी कौन सा वाला रहेगा, वो भी रेट्रो पेरिटोनियल ही रहेगा, ये टोटल ये पूरा रेट्रो पेरिटोनियल रहेगा। थर्ड पार्ट कौन सा वाला, ये थर्ड पार्ट की लेंथ कितनी होगी, थर्ड पार्ट की होगी 4 इंच यानी अगर मैं सेंटीमीटर में आपसे तो 4 इंच का मतलब क्या हो गया, टोटल 10 सेंटीमीटर, 2.5 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है तो मतलब 10 सेंटीमीटर। तो ये भी टोटल कौन सा वाला, रेट्रोपेरिटोनियल ही रहेगा। अब यहाँ पे फोर्थ पार्ट के अंदर एक चीज का यहाँ पे देखना पड़ेगा,
मतलब मिलेगा आपको क्या, यहाँ पे इसके टू पार्ट्स होते हैं। वैसे तो ये भी जो होते हैं ये कितने इंच का रहता है, 1 इंच का होता है। इसके अंदर वैसे ये भी पूरी तरीके से कौन सा वाला होता है, ये भी पूरी तरीके से रेट्रोपेरिटोनियल का ही होता है, बट इसका जो टर्मिनल पार्ट है, कौन सा पार्ट, टर्मिनल जो पार्ट हो गया, और टर्मिनल पार्ट कौन सा हो गया, जो बोले तो टर्मिनल एंड हो गया, वो थोड़ा सा रस्ते से भटक के किधर निकल जाता है, इंट्रापेरिटोनियल की तरफ। तो ये हो गया इसका टोटल, इसके 4 पार्ट्स के कितने कितने इंच के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या कि इसके अंदर इसके सिर्फ दो एंड, जो इसके जो दोनों एंड है, जैसे कि स्टार्टिंग वाला एंड हो गया भाई, स्टार्टिंग जैसे प्रोक्सिमल एंड, जैसे कि यहाँ पे ये वाला एंड हो गया ये, और यहाँ पे जो लास्ट में जो एंड हो गया ये, तो ये कौन से पार्ट है, ये मूवेबल पार्ट है, ये कौन सा है, इंट्रापेरिटोनियल वाले पार्ट है। बाकी पूरा का पूरा ड्यूडेनम क्या होगा, फिक्स्ड पार्ट रहेगा रेट्रोपेरिटोनियल के साथ में। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ बात। अब यहाँ पे प्रोक्सिमल की बात करें ना, तो ये क्या है कि अटैच्ड रहता है, किससे अटैच्ड रहता है, ये पूरा जैसे कि पेरिटोनियल की बात, इसकी पेरिटोनियल सॉरी प्रोक्सिमल पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, प्रोक्सिमल पार्ट की। तो प्रोक्सिमल पार्ट अटैच्ड टू किससे, अबव लेजर और बिलो ग्रेटर। तो ये किससे कनेक्टेड रहता है, ये कनेक्टेड रहता है अबव तो लेजर, अबव मतलब ऊपर की साइड में किससे, लेजर से, और बिलो ग्रेटर, अब क्या, ओमेंटम, ओमेंटम जिसका प्रोक्सिमल पार्ट रह गया वो अबव लेजर ओमेंटम से और बिलो साइड में ग्रेटर ओमेंटर से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। तो ये हो गया इसका पूरा का पूरा कवर, जहां पे हमने इसके बारे में सिर्फ जनरल चीजों के बारे में हमने आपसे क्या बात की है। तो गाइज कैसा लगा आपको वीडियो, बस आपको इस वीडियो को क्या लाइक का बटन दबा के बताना है और शेयर कर देना है कमेंट बॉक्स के अंदर, यार प्यारी प्यारी लिखना, जो बातें हैं लिखना बंद मत करो। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कोई एक इंसान आता है 0.05 सेकंड के लिए उसको ऑन करके छोड़ के चला जाता है, भाई मतलब क्या मजा आ रहा है, मेरा पूरा रिटेंशन गिर रहा है सिर्फ उस एक व्यूज की वजह से, क्योंकि वैसे ही मेरे इसके ऊपर कोई व्यूज नहीं आ रहा, वो इंसान आके सिर्फ 0.05 सेकंड के लिए इसको बंद करके चला जा रहा है। तो गाइस यार प्लीज ऐसा ना करो, अगर वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो, अदरवाइज अगर नहीं देखना तो उस पर क्लिक ही ना करो यार, कम से कम सामने वाले का रिटेंशन तो नहीं गिरेगा, सामने वाले का यूट्यूब ये समझता है कि वीडियो में कुछ भी नहीं है। तो वैसे मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं मिलूंगा फिर से अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।